अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? शुक्रिया, ठीक है जी, बिल्कुल खैरियत है जी। जी मजे में हो ना? जी बिल्कुल। अब देखो मैंने ये क्या किया, मैंने एक तुम जैसे आम आदमी से हाथ मिलाया। अगर कंपेयरिंग निकाल दें आपकी शख्सियत से, विचों की रहता है, कुछ भी नहीं, कख भी नहीं, लेकिन मैंने आपसे हाथ मिलाया मिलाया। अब पूछो ये क्या है? ये एक बड़े लीडर की निशानी है। ये एक बड़ा लीडर जो है वो एक आम शख्स से भी हाथ मिलाता है। ये है बड़े लीडर की निशानी। आई कैन टॉक इन इंग्लिश। मेरा प्रोग्राम उर्दू में है जी। हाँ जी, मेरा प्रोग्राम उर्दू में है। बट आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज एवरीबडी नोज हु इज हु, बट समबडी शुड नो हु इज आई। मेरे ख्याल में आप उर्दू में बात करेंगे तो वो लोग ज़्यादा आसानी से समझेंगे। देखें, बात यह है, मेरे प्यू ने, माई फादर गॉट मैरिड टू अ इंग्लिश बेबी, मतलब एक अंग्रेजी खातून से शादी की थी, और जबकि मेरी अपनी वालदा का ताल्लुक जो था वो झेलम से था। तो आप अपने वालिद की पहली शादी से? होना तो मैं दूसरी से चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैं जल्दी पैदा हो गया। शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी, बड़ी चंगी खातून सी। अभी तक आपने कोई काम की बात नहीं की है। ओ छड़ो जी, केड़ी काम दी गल की रही है? ये कौम जो है नहायत ही काहल कौम है। इस कौम को कोई फायदे वाली बात समझ ही नहीं आती, तो इन्हों के सामने फायदे दी गल करन दा की फायदा? मैं कौम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। रामनाल जी, रामनाल, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, समझ आई? पैसा मेरे पास पहले से पड़ा, लेकिन मैंने इस कौम की काहली देखते हुए मैंने ये फैसला किया। मैं कहा कि यार इस कौम के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं बड़ा सोचा कि किस तरह दे इन्हों के नाल काम कर सकते असी। मैंने सोचा कि सियासत में आना चाहिए। परसों चौथ मैं फैसला किया कि मैं सियासत में आऊंगा। पैसा कहाँ से आया आपके पास? ओ, हमारे खानदान में बतेरे सियासतदान हैं, बड़ा पैसा है उनके पास। पैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था हमारे लिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने उनको ऐसे देखता रहा, मैंने उनको देख देख के उनकी हरकतें सीखी, दसिया नहीं मैनू किसी ने कुछ भी। बस फिर मैं फैसला किया कि हूँ जड़े इलेक्शन आ रहे हैं, मैं उस इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। टिंग टड़क टिंग टिंग टड़क टिंग टिंग टड़क टिंग टिंग जी, आपने फरमाया कि अगले इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं। हाँ जी। किस जमात की तरफ से? मैं एक अपनी जमात बना रहा हूँ। अलग बना रहे हैं आप? बिल्कुल अलग बना। तो आपके घर वाले, खानदान वाले किस पार्टी में? मेरे सारे खानदान वाले जड़े ने और सब पक्के मुस्लिम लीग ही, दसदा कोई भी नहीं कि केड़ी पार्टी च, पता ही नहीं लगन देंदे। तो बात यह है कि जिस पार्टी में है उस पार्टी को ही पता नहीं होता कि वो कौन सी पार्टी में है। याद रखना मकसूद है कि मुस्लिम लीग एक कोई आँदी है, एक कोई मुस्लिम लीग है। इस करके मैंने सोचा है कि मैं अपनी नई पार्टी बना रहा हूँ, उसका नाम मैंने रखा है मुस्लिम लीग अलफ। मुस्लिम लीग अलफ? अलफ, मेरा ख्याल है उर्दू जुबान का कायदा अलफ बे से ही शुरू होता है। मुस्लिम लीग अलफ। ओ यार देखो ना कैसा काफिया मिला है, हलफ अलफ, अलफ चाइन करो, हलफ उठाओ, अलफ हलफ हलफ अलफ हलफ अलफ, कैसा काफिया मिला है मैंने। तो अगले इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं? हाँ जी, जेब खोलकर। क्या कहा? ओ जेब खोलकर।
मोहतरम, दिल खोल कर तो सुना था मैंने, जेब खोल कर पहली मरतबा। ज्यादा बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक बनने की कोशिश ना कर। जब मैंने कह दिया है जेब खोल कर, तो फिर जेब खोल कर ही होगा। समझ आई? मैं इधर गल करना है, उर्दू की ट्यूशन लड़नी है। मुस्लिम लीग अलफ, मुस्लिम लीग अलफ क्या करेगी? और कल सुनो, ज्यादा माहौल करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग क्या करेगी? मुस्लिम लीग कोई खतून नहीं है कि क्या करेगी। हुजूर, एक सियासी जमात होने की वजह से आपकी नई पार्टी है, उसका नाम मुस्लिम लीग अलफ है। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि वो क्या करेगी। गल के मंशूर तकरीबन तैयार हो गया है, बस खाली तड़का लगाने की देर है। क्या मंशूर कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं? बहुत मखाल ना करें, मखाल ना कर। संजीदा गल हो रही है, बिचो मखाल कर रहे हैं। क्या मजाक किया मैंने? क्या मजाक किया? ये क्या गल है? क्या किया मैंने? मैं क्या, मंशूर तैयार हो रहा है, तड़का लगाने की देर है, कहते हैं क्या कढ़ाई में बन रहे हैं। तो और मैं क्या कहूंगा? आपने कहा तड़का लगाने की देर है, क्या मतलब उससे? मेरे नाल मखाल ना करना आइंदा, इसमें कौन सी टोकने की बात थी? आप रहने दें, सिर्फ मुस्लिम लीग अलफ पे बात करें। हाँ, मुस्लिम लीग अलफ पे गल करते हैं। असल में मुस्लिम लीग अलफ जो है एक मुख्तलफ पार्टी होगी। मुख्तलफ? मैं इस पर ही बहस कर सकता हूँ, मुख्तलफ। और कल सुन, तेन बड़ा शौक चढ़िया है बहस करने का। बात सुने, तू वक्फा ले। आप बात सुने, तू ये अपनी आस्ती नीचे करें। वक्फा ले, आप आस्ती नीचे करें। और तू ब्रेक ले, ब्रेक ले, मैं बहस करना तेरे नाल। अब आपसे आप तू पे आ गए। और ब्रेक ले, ब्रेक ले, पहले आस्ती नीचे करें। चल, ए भी करा ला, ब्रेक ले। मैं इनसे बहस करने की कोशिश करता हूँ, आप इश्तहार देखें। और ले ले वक्फा, और ख्वाहिश पूरी कर ली थी, हूँ बहस करेगा मेरे नाल। जब मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि बहस मैं आपसे नहीं करूँगा, हाँ मुक गई, तो फिर आप इसका जिक्र रहने दें। मुक गई। आप मुझे अपने मंशूर के बारे में बताएं। जिंदगी में पहली बारी मंजूर कह के फंस गया सी, दूजी बारी मैं मंशूर कह के फंस गया। फिक्र करने की लोड़ नहीं है, जैसे ही वक्त आएगा मंशूर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। आपने शायद मेरी उंगली तोड़ दी, फिर भी कुछ तो बताएं मंशूर के बारे में। मंशूर के बारे में, असल में हम चाहते हैं आवाम का पलाओ। किसका पलाओ? आवाम का। हाय राम नाल गल करी, आवाम का इस तरह नहीं कहना। आवाम का, आवाम का। हम चाहते हैं आवाम का पलाओ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां आई हैं, उन्होंने अपने आप को आवाम नहीं समझा और सिर्फ अपना पला किया। तो आवाम के भले के लिए आपने क्या सोचा है? लंदन में तो अभी तो मैंने खाली ऐसे किया है। लंदन में एक बंदे ने बदतमीजी की थी, मैं उसकी बाँह त्रोड़ के उसके हाथ में पड़ाती थी। खैर, मैंने आप पर रहम किया। शुक्रिया आपका। सवाल आवाम के भले के लिए आपने? रिलैक्स करो, रिलैक्स। क्या सोचा है? थल्ले यात्रा कर राम नाल, हुण गल कर। आवाम के भले के लिए आपने क्या सोचा है? आवाम के भले के लिए मंशूर का पहला क्लॉज के शादी के खाने पे से पाबंदी मुक गई, कम से कम 10 डिशों की इजाजत होगी, 10 डिशेस, और दूसरी करने वाले को 5 डिशों की इजाजत होगी। पहले शादी करने वाले के लिए 10 डिशें और दूसरी ये आपके मंशूर में? ये हमारे मंशूर में। और तीसरी शादी वाले? और तीसरी शादी वाला तो कार्ड भी नहीं छपवाता, तुम देख लेना, इसके बाद आवाम तड़ातड़म को वोट देंगे। और आवाम के भले के लिए आपके मंशूर? थल्ले याद रखे राम नाल, रिलैक्स। और आवाम? रिलैक्स कर रहा हूँ।